मैं बल पंचायत का निवासी हूँ, विनय कुमार मेरा नाम है। हमारे यहाँ तीसरे दिन पानी आता है। इस ज़माने में देखिए 21वीं सदी, एक दिन पानी छोड़ के आता है, वो भी लिमिटेड। ये कोई बात है? हमें इसका समाधान चाहिए। हमें रोज़ पानी चाहिए, चाहे वो एक घंटा हो, दो घंटे हो, लेकिन रोज़ पानी चाहिए। इसकी हमें कृपया समाधान करने। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाए। पानी मेन ज़रूरत है, पानी ज़रूर चाहिए हमें, डेली चाहिए, लेकिन रोज़ नहीं आता है, तीसरे दिन आता है। तो प्लीज़ कृपया हमारी मदद करो। हाँ, एक दिन छोड़ के पानी आता है। आए दिन मैं हरि सिंह को फ़ोन करती हूँ, प्लम्बर जो है, तो वो यही कहता है कि हम तो छोड़ रहे हैं, और बात भी ठीक से नहीं करता वो। मतलब लेडीज़ होने में सीनियर सिटीज़न हूँ, कल मैंने ये भी बोला उसको, मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, ऊपर नीचे मैं कहाँ देखूँ, नीचे आया कि नहीं आया, तो मेरे को वो पानी जो है देता ही नहीं है। ऐसा सुनने में आया जी कि तीसरे दिन को पानी छोड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पानी छोड़ता है, और वो भी प्रॉपरली नहीं आ रहा है। 11 बजे तो आता ही नहीं आता, आधा घंटे तक पानी देता है, 11 पानी बहुत कम है, 11 बजे भी नहीं आता, और आता भी है 2 बजे, 1 बजे आता है, और मतलब कि 2 बजे वो बंद कर ही देते हैं, वो चाहे टैंक भरे या नहीं भरे। हमने तो कोई 200 बार उससे मंगवाया, क्या नाम है उसका, चोबे राम जी से, वो टैंकर मंगवा के। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि मूल सुविधाएं है नहीं बदा में। अब मैं तो उसको करने वाली थी, बंटू जो है, उप प्रधान और प्रधान तो कर है ही नहीं, आउट ऑफ रीच है, कहाँ है वो तो आता ही नहीं है, बस वोट मांगने आ जाते हैं, तब जब उनको वोट देने होते हैं तब उनको मूल सुविधाएं हमको नहीं मिल रही, जबकि हम शहर में रहते हैं, हम टैक्स देते हैं। अभी दिया हमने 2 महीने पहले 1400 रुपये, तो हमें कोई मतलब हमारा भी तो कोई ध्यान रखे ना। समस्या है, बोल बोल के हम थक गए। शिमला तक हमने रिपोर्ट की, और अभी तक तीसरे दिन 500-600 लीटर पानी आता हमारे, और ये 3 महीने से चल रही है। तो तीसरे दिन को ऐसा सुना हमने, तीसरे दिन को पानी छोड़ा जा रहा है, तीसरे दिन पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बारे में कई दफ़ा विभागियों को भी बोला गया, लेकिन कोई गौर नहीं की। बस पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और ख़ास करके लोअर बदा में। ये तीसरे दिन पानी देते हैं, वो अभी घंटा या आध घंटे के लिए देते हैं, जिससे गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। हम बार बार अप्रोच करते रहे हर किसी से, लेकिन कहीं भी सुनाई नहीं होती है। इस समस्या को निहाल करने की सख्त ज़रूरत है। तो सरकार प्रशासन से क्या चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे प्रशासन को? प्रशासन से ये चाहेंगे, जबकि उनका प्रशासन का ये कहना है कि हम पानी की किल्लत नहीं होने देंगे कुल्लू में, और 24 घंटा 24x7 पानी देंगे, लेकिन यहाँ तो हर तीसरे दिन के बाद मिलता है, वो बहुत कम मिलता है, जिससे गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। और इस तंगी से हम काफ़ी अरसे से, काफ़ी साल से गुजर रहे हैं तंगी से, इस तंगी को खत्म किया जाए। मैं बला पंचायत का निवासी हूँ, मेरा नाम दीपक है। यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, आजकल हर तीसरे और चौथे दिन पानी छोड़ा जा रहा है यहाँ पे, इसलिए हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन से आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से हमारा यही कहना है कि जल्द से जल्द हमारी मांगें सुने, और यहाँ पर पानी की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। सप्लाई है ना, यहाँ बहुत इरेगुलर है, इरेगुलर क्यों, तीसरे दिन भी देते हैं, बहुत कम देते हैं। कई दफ़ा तो नदी का पानी देते हैं, कभी कहते हैं कुल्लू का पानी भी एक्चुअली साफ़ नहीं है, और उससे जो है बीमारी भी बढ़ रही है लोगों की। और हमें तो एक्चुअली वो टैंकर से पानी मंगाना पड़ता है तीसरे दिन, वही, और वो 700 रुपये लेता है, सो इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर। तो ये इसके लिए हमने यहाँ एक एप्लीकेशन में दी थी, SDM को दी एप्लीकेशन, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी मैंने फ़ोन पर बात की। तो उसके पहले तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अभी जो है ये तीसरे दिन तो आता, पहले तो तीसरे दिन भी पानी नहीं आता था, ये टूट गया, वो पाइप टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, पर अभी भी हमारी जो गुजारिश है व्यवस्था से, जो भी इस पानी को देखता है, कि भाई रेगुलराइज किया जाए। यहाँ कुछ सेक्शन में डेली पानी 2-2 घंटे आता है, और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको तीसरे दिन 1 घंटे ही पानी नहीं आता, और मोस्टली ये पाया गया है कि ऊपर का बदाम में जो है पानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो नीचे के बदाम है हमारे, जो ये हाईवे के साथ में है, यहाँ यहाँ ही प्रॉब्लम है, यहाँ पानी की प्रॉब्लम है,
और इसको सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की मैंने, उसके बाद वो फ़ोन करने लगे मुझे भाई हाँ आपको पानी देंगे, अभी दो तीन दिन की असुविधा है, आएगा आएगा आएगा। तो थोड़ा सा तो उसके बाद हुआ है कि भाई अब पानी कम से कम तीसरे दिन तो आता, पहले तो वो भी नहीं आता था, आधे घंटे आता था कभी कभी, और उनकी मर्जी है कि आए ना आए। माई नेम इज़ पूजा गुप्ता, मैं बल पंचायत से बोल रही हूँ। यहाँ पानी की बहुत समस्या है, तीसरे दिन पानी आता, कई बार तो 3 बजे छोड़ते हैं और 3:30 बजे बंद कर देते हैं, और बहुत ही समस्या आ रही है पानी की हमें। प्रशासन से कहना चाहेंगे कुछ आप? प्रशासन से ये हमारी ये क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट है, हाँ रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द पानी की समस्या की समाधान किया जाए। पानी तो आ ही रहा ना, एक दिन छोड़ के ही आ रहा है बिल्कुल, वो भी कम। ऐसा सुनने में आया कि तीसरे दिन को पानी छोड़ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, आधा ड्रम आना बस फिर बंद, उससे क्या होना पड़ा। और प्रशासन से क्या डिमांड है आपकी, आप क्या चाहते हैं प्रशासन? पानी आना चाहिए और तो क्या है। हम लोअर बदा से बोल रहे हैं और हमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तीसरे दिन पानी देते हैं वो भी 2 घंटे छोड़ते हैं और फिर बंद कर देते हैं, और पानी की समस्या दूर की जाए।